Find the angle subtended at the center of a circle of radius 5 cm by an arc of length 5 pi divided by 3 cm. तो एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है. रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और आर्क का लेंथ दिया हुआ है. ये आर्क का लेंथ दिया हुआ है. ये लेंथ दिया हुआ 5 pi / 3 cm और यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर. तो कह रहा है ये थीटा क्या होगा जो एंगल सबटेंडेड होगा बाय द आर्क सेंटर पर, वो कितना होगा. तो जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 pi r थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. अब यहाँ पर जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क दिया 5 pi / 3 इक्वल टू 2 × π × r कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. तो यहाँ से हमें थीटा निकल जाएगा, पाई से पाई कट गया तो 5 से 5 कट गया. तो थीटा इक्वल टू हो गया 360 / 3 × 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 360 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया. इक्वल टू हो गया 360 / 6 इक्वल टू हो गया 60 डिग्री. तो जो एंगल सबटेंड होगा थीटा का वैल्यू आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ये हो गया आपका आंसर. इस फॉर्मूला के और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं.